अपनी प्रतिभा कैसे खोजें अनलिश योर इनर टैलेंट जीवन के चौदह महान गुण जीवन का सातवां महान गुण एक साधु था एक मोहल्ले से गुजरता था मकान थे लकड़ी के बड़े बड़े तो एक महिला उसके ऊपर कचरा डालती थी वो जब गुजरता था ना ठीक उसके माड़े के नीचे से जब गुजरता था तो ऊपर से कचरा डाल देती थी और दिखा दीजिए मुझे मालूम ही नहीं था तुम नीचे से जा रहे मगर वो शांति से चला जाता था वो महिला वहां पर अकेली रह रही थी क्योंकि उसका बेटा और बहू परेशान होकर चले गए थे छोड़कर उसको उसका बेटा उसकी बहू सास की किटकिट और ये सब बातों से आखिर एक दिन तंग होकर वे चले गए थे तो महिला कैसी होगी समझ सकते हैं तो अब वो वहां से गुजरता था उसके ऊपर कचरा डाल दिया जाता था फिर एक दिन वो गुजर रहा था तो उस औरत ने कचरा नहीं डाला वो आई नहीं बालकनी में छज्जे पर आई नहीं वह तो वो रुका उधर और ऊपर जाकर देखा उस लेडी के पास गया वो बीमार थी वो बेड पर थी उठ नहीं सकती थी इतनी कमज़ोर थी तो उस साधु ने पूछा कि किसको बुलाया जाए तुम्हारे डॉक्टर कौन है फैमिली डॉक्टर पूछकर उस फैमिली डॉक्टर को बुलाया उसका इलाज करवाया दो तीन दिन इलाज चला वो तंदुरुस्त हुई और तंदुरुस्त होने के बाद नेक्स्ट डे जब वो साधु गुजर रहा था उसने क्या किया वो नीचे उतर आई ऊपर से जो कचरा फेंकती थी वो नीचे उतर आई एक्चुअली अहंकार नीचे उतर आया, अहंकार नीचे उतर आया और उसने क्षमा मांगी कहा कृपया मुझे क्षमा करो तो उसने कहा तो मैंने तो क्षमा पहले ही दे दी थी आप तक आज पहुंची क्षमा तो मैंने दे दी आप तक आज पहुंची है तो क्या समझ थी उस साधु की वो वहाँ से गुजरता था और वो कचरा डालती थी मैं उस लेडी को मालूम ही नहीं था जब वो कचरा डालने में लेट करती थी तो साधु धीरे धीरे चलता था <laughs> उस इलाके से जहाँ एग्जैक्टली ऊपर से कचरा डाला जा सकता है वो एरिया तो जब देखता था कि मैं उस एरिया में आ गया हूं मगर कचरा नहीं आया है तो वो और धीरे चलता कि अगर मेरा पार्सल आना है आज आ जाए निपटारा हो जाए निपटारा हो, हो जाए देखो आपके ऊपर कचरा डाला है यानी आपका पार्सल इंसान सोचता है इसने मुझे गाली दी इसने मुझे ये बोला ऐसा किया जब समझ होगी कि आपके ही तंदुरुस्त कर्म आज आए हैं आपका पार्सल था इस पार्सल को ग्रेसफुली कैसे ले और इन एंड आउट क्षमा कैसे करें इन एंड आउट यानी मांगने में भी और देने में भी देरी नहीं है कमर्शल ब्रेक तुरंत आप लेते हैं तो साधु ने वही किया और चूंकि उसने अपने पार्सल ले लिए तो क्या हो गया समाप्त हो गया अब वो नेक्स्ट डे उतर आई सॉरी कहने के लिए और नेक्स्ट डे उतर कर आई कचौरी खिलाने के लिए कचरा कचौरी बन गया कचरा कचौरी बन गया मेरे साधु ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी कचरा हो कि कचौरी पार्सल है ग्रेसफुली लो फसो मत उसमें कचौरी <laughs> की लालच में नहीं अपनी साधना जारी रखो साधना जारी रखोगे तो फंसोगे नहीं कि कचरे से तो बचना चाहता ही इंसान कचौरी से नहीं बचना चाहता मर उस साधु ने कैसे लिया साधु का अर्थ था सीधा आदमी साधु ये ने बाल विल ऐसे बनाया है वैसा मत समझो तेज संसारी कैसा होना चाहिए जिसने गुण अपने अंदर लाया है सन्यासी का भी संसारी का भी और अपने अंदर के अवगुण जो सन्यासी में है आज के सन्यासी में जो तमोगुण की वजह से भागता है संसार से वो अवगुण निकाल दिया है और संसारी का जो अवगुण है बहाने देकर खुद को बचाते रहता है सेम गलतियां करते रहता है और कहता है कि हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं हम भी क्या कर सकते हैं तो दोनों के अवगुण दूर करके दोनों के गुण अपने अंदर लाकर उस साधु ने कैसे लिया वो धीरे चल रहा था कि अगर मेरा पार्सल है तो आएगा मेरा नहीं है तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता किसी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि आपका पार्सल ना हो और आपको दे तो ये कॉन्फिडेंस आपको आती जाए आपका पार्सल आपके पास आता है ग्रेसफुली लो तो टेकिंग इन गिविंग आउट और फॉर गिविंग इन एंड आउट तो जैसे श्री राम ने क्षमा मांगी उन लोगों को उन असुरों को ताड़का जैसे स्त्री थी जो यज्ञ बंग कर रही थी उसका भी वध किया तो क्षमा मांगी क्यों क्योंकि कोई भी लकीर कितना भी करेक्ट कारण है आपके पास उसकी लकीर नहीं बनने देनी है और श्री राम ने दिया विभीषण को बिना मांगे राज्य दे दिया लंका जीत ली राज्य दे दिया अहल्या को दे दिया अब पूरा रामायण देखोगे तो ये सब आपको दिखने वाला है कहां पर टेकिंग इन था कहां गिविंग आउट था कहां पर फॉर गिविंग इन एंड आउट था एक द्वारी गुण अपने अंदर लाना है इस गुण का नाम है एक द्वारी एक चार मीनार आपका शरीर है इसको कितने दरवाजे हैं एक दरवाजा इसका रखना है इसको कहते एक द्वारी गुण एक द्वारी गुण श्री राम ने एक पत्नी का चयन किया एकम एक के साथ जिया एक द्वारी कैसे कार्य करेगा एक द्वारी गुण क्या है एक द्वारी यानी हम तीन बातें जो जीवन में करते हैं वे एक ही द्वार से क्योंकि जिस द्वार से इंसान बाहर जाता है उसी द्वार से अंदर भी आता है अनेक द्वार होते तो कन्फ्यूजन रहता है लोग पीछे का द्वार रखते बैक ब्रिज रखते वे कभी जीतते नहीं है भागने के लिए वो रास्ता बनाए रखते बहाना बनाए रखते हैं एक द्वारी गुण आपको इस्तेमाल करना है एक द्वारिक गुण में क्या करना है आपको टेकिंग इन गिविंग आउट टेकिंग इन गिविंग आउट फॉर गिविंग इन एंड आउट फॉर गिविंग इन एंड आउट तो उसमें तीन शब्द बताए टेकिंग गिविंग फॉर गिविंग टेकिंग गिविंग फॉर गिविंग टेकिंग इन आप जो लोगे ग्रहणशील खुशी के साथ आपका पार्सल ग्रेसफुली आप जो भी प्राप्त करो क्योंकि जो लेते हैं उनको और मिलता है जो लेना बंद कर देते हैं उनका छीन लिया जाता है उनकी समझ उल्टा और समाप्त हो जाती है जो श्रवण कर रहे हैं उनको और मिल रहा है जो समझ प्राप्त कर रहे हैं उनको और मिल रही है जो बंद करते हैं देखते जो थी वो भी समाप्त हो रही है समय के साथ जो थी वो भी समाप्त हो रही है तो टेकिंग इन गिविंग आउट यानी देना देना शुरू करो खास करके आपके आसपास में अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग भी होंगे जो मांगते नहीं आपसे खुददार हैं लोग खुदार है मर उनको जरूरत है ऐसे लोगों की मदद करें बाकी की नहीं करें ऐसा नहीं कहा सबकी करें गिविंग हम क्या दे सकते हैं और कुछ चीज़ें जो हम सालों से संभाले हुए हैं काम में आती नहीं मगर कभी तो काम में आएगी कभी तो काम में आएगी तो निकाल के आप डस्टबिन को देंगे तो गिविंग ऐसे लोग जो खुददार हैं अहंकार नहीं देखो एक अहंकारी होता है मैं क्यों मांगूं एक खुददार होता है उसको ज़रूरत है आप उसको दें एहसान न जताएं क्योंकि अच्छे लोग हैं वो ईमानदारी से जीना चाहते प्रिंसिपल से उनके अच्छे लोग हैं मगर उनकी ज़रूरत आप देख रहे हैं और कई बार होता है हमसे कोई मांग रहा नहीं हम क्यों दें बिना मांगे कैसे दे पाए बिना मांगे वरना इंतज़ार करते हो मांगेगा तो ही हम देंगे तो ये छोटे प्रयोग है बिना मांगे कैसे दे सकते हैं थोड़ा सा छोटा सा विश्वास बीज जैसे हम डालते हैं कैसे दें खास करके खुददार जो लोग हैं और डस्टबिन में हम ऐसी कुछ बातें कचरा फेंकेंगे ये आदत होनी चाहिए वरना हम दिवाली साल में एक बार इंतजार करते तो टेकिंग इन गिविंग आउट और फॉर गिविंग इन एंड आउट फॉर गिविंग इन एंड आउट तो श्री राम के एग्जाम्पल से उस गुण को थोड़ा विस्तार दिया और साधु के एग्जाम्पल से बताया कैसे इंसान जी सकता है पहले से इंसान रेडी है मेरा पार्सल ले तो आएगा तो उसी घटना में वो कैसे उपस्थित होगा और परिणाम क्या आया आपने देखा वो महिला बदल गई उसका बेटा बहू वापस आ गए वो कचोरी में नहीं अटका साधना करता रहा एक द्वारी गुण आप सबको समझ में आ गया कि एक ही द्वार से लेना देना हो चार मीनार के अनेक द्वार मत रखो कंफ्यूजन हो जाएगा एक पर नजर रख सकते हो आप तो ये गुण आपको लाना है जीवन के चौदह महान गुण इस सीरीज के अगले संदेश में हम जीवन का आठवां महान गुण क्या है इसे सुनेंगे जीवन के पहले छह गुणों की वीडियोस की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है इसका जरूर लाभ लें सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है तेज ज्ञान नहीं तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं इस विषय को और अधिक विस्तार से समझने के लिए आप इन पुस्तकों का भी लाभ ले सकते हैं इस संदेश के बारे में अपने विचार अभिप्राय जरूर शेयर करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है मेल एट द रेट तेज ज्ञान डॉट कॉम